आपकी बार कांग्रेस सरकार। वापस लो। चुनावी वर्ष में कांग्रेस महंगाई का विरोध कर रही है। महंगाई मनमोहन सरकार से लगातार बढ़ती हुई आ रही है। कांग्रेस ने चुनावी वर्ष में महंगाई का विरोध नहीं किया है। कांग्रेस हमेशा 8 साल से बराबर महंगाई का विरोध कर रही है, चाहे वो डीजल के पैसे बढ़े हैं, चाहे वो पेट्रोल के पैसे बढ़े हैं, चाहे रसोई गैस के दाम बढ़े हैं, चाहे दूध के दाम बढ़े। हमने बरसों से विरोध किया है और आज भी कोलार कांग्रेस के द्वारा यहाँ पर विरोध प्रकट किया जा रहा है कि आज ही घरेलू गैस पर 50 रुपये और कॉमर्शियल सिलेंडर पर 350 रुपये की बढ़ोतरी की गई है और दूध के ऊपर लगभग 10 बार 1 साल के अंदर बढ़ोतरी। मोदी सरकार महंगाई पे ही एक विजय मानी गई थी जब मोदी सरकार आई थी, तो क्या लगता है कि जनता कांग्रेस में पुनः विश्वास करेगी? क्यों नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी की जब 14वीं सरकार थी, जब मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री थे, तो इसी सिलेंडर का भाव 450 रुपये था, आज ये 1110 रुपये का हो गया है। और डीजल 55 रुपये, पेट्रोल 60 रुपये, जो आज 100 रुपये के पार है, और दूध के दाम 50 रुपये लीटर था। तो ये रोकर क्षेत्रीय समस्या ये है कि यहाँ क्षेत्र में घटनाएं होती है, एक बच्ची का एक्सीडेंट हो जाता है, वो नगर निगम की गाड़ी से वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर 6 लेन सड़क का निर्माण हो रहा है, कुछ मकान दुकानों को तोड़ा जा रहा है, अभी तक कांग्रेस ने इसके विरोध में कुछ भी प्रदर्शन नहीं किया है। और यहाँ पर जो गंभीर घटनाएँ होती है उसमें कांग्रेस के जो पूर्व पार्षद हैं वो भी उनके यहाँ मुलाकात के लिए नहीं पहुँचते, बार बार संपर्क करने के बाद भी। देखिए, जब भी इस तरह की कोई घटना होती है, कांग्रेस का हमारा नेता कार्यकर्ता हमेशा उपलब्ध होता है, नहीं होता है, नहीं होता। लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं, जो विधायक जी हैं, वो क्या कर रहे हैं, जो यहाँ के पार्षद हैं वो क्या कर रहे हैं? पहली जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि की होती है, चाहे वो नगर निगम का पार्षद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, वो क्या कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी उनकी भी बनती है। उनको आके देखना चाहिए कि मकान क्यों तोड़वा रहे हो, क्यों लोग गिर रहे हैं, क्यों लोग मर रहे हैं, ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं। जब मीडिया कांग्रेस के स्थानीय नेताओं से संपर्क करती है तो बोलती है, साहब हमारे पास जिम्मेदारी नहीं है, जिनके पास पद बटे हुए हैं उनसे आप चर्चा करें। हर कार्यकर्ता के पास जिम्मेदारी है और जिनके पास जिम्मेदारी है वो जाके वो ये काम देखते हैं। पर कांग्रेस के कार्यकर्ता